नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष, आपके लिए राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, आपने अल्पेश ठाकुर का नाम तो सुना ही होगा। अल्पेश ठाकुर गुजरात के कांग्रेस के कदावर नेता हैं और बिहारियों के लिए एक बड़े खलनायक भी हैं, क्योंकि गुजरात में बिहारियों पर जो हमला हुआ था उसमें उनकी अहम भूमिका थी और उस वजह से बिहारी उन्हें नफरत और हिकारत की भाव से देखते हैं। अल्पेश ठाकुर अब खुद कांग्रेस में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको भाव नहीं दे रही है और उससे नाराज होकर आज अल्पेश ठाकुर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, अल्पेश ठाकुर के साथ पार्टी के 3 विधायक भी हैं। आज अल्पेश ठाकुर राहुल गांधी से मिलेंगे, अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, अगर कांग्रेस में उनको भाव नहीं मिलता है, तो अल्पेश ठाकुर बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अल्पेश ठाकुर राहुल गांधी से मिलने के बाद अगर बात नहीं बनी तो मोदी से मिलेंगे, पीएम मोदी से मिलेंगे। अभी इस बैठक को या मीटिंग को गुप्त रखा गया है, कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, औपचारिक इसका ऐलान नहीं हुआ है कि पीएम मोदी अल्पेश ठाकुर से मुलाकात करेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अल्पेश ठाकुर पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और लोकसभा की सीट मांग सकते हैं या फिर गुजरात कैबिनेट में एक बर्थ मांग सकते हैं, एक मंत्री की कुर्सी मांग सकते हैं। दोनों में से कुछ भी मिल गया तो अल्पेश ठाकुर अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन बीजेपी कैसे उस अल्पेश ठाकुर को पचा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अल्पेश ठाकुर बिहारियों पर, उत्तर भारतीयों पर हमला करने के कारण उत्तर भारत में वो खलनायक की छवि है उनकी, उनको लोग नफरत और हिकारत की नज़र से देखते हैं और बिहारियों पर और उत्तर प्रदेश के लोगों पर हमला करने की वजह से वो लगातार बीजेपी के नेताओं के निशाने पर भी रहे हैं। तो अल्पेश ठाकुर को कैसे बीजेपी अपने साथ लेगी और क्या सफाई देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, अगर कांग्रेस में अल्पेश ठाकुर को कोई तरजीह नहीं मिलती है राहुल गांधी से मिलने के बावजूद, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, बीजेपी ही आखिरी रास्ता है। लेकिन बीजेपी अगर अल्पेश ठाकुर को पार्टी में ले लेती है, उनको मंत्री बना देती है या लोकसभा का चुनाव लड़ाती है, तो बीजेपी के पास भी कोई जवाब नहीं होगा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को देने के लिए। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।